इतनी सर इनको शर्म नहीं आ रही है, सर हमने आज कुछ करना है, कुछ जाना है हमने, सर हमें अगर गोली खानी होगी हम तैयार हैं, लेकिन जो हमारा मसला है सर, इनका कहना है कि हम सीएम बनेंगे। सर जब सीएम बना था तब कहाँ था, वो कैसे बना था सर? 61,000 डेली वेजर सर इस वक्त रोल रूम पे धक्के खा रहे हैं सर, इस वक्त भी इनका एजेंडा है हमारे हाथ में सर, इनको शर्म आनी चाहिए। अगर इन्होंने हमारा काम नहीं किया, इस वक्त बजट चल रही है, अगर नहीं किया इससे आगे जो खराबी होगी वो बहुत बुरी होगी, वो सरकार की जिम्मेदारी होगी। से हम यही हाल है हमारा सर, ये बोल रही है सरकार, जब बोल रही है बोलते हैं हम सीएम बनेंगे सर, सीएम कब बनेंगे सर? जब बने थे तब क्यों नहीं किया था इन्होंने? क्योंकि इनका नारा जो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो हम बेटियां रोड पे धक्के खा रहे हैं सर। 1750 से कोई घर चल रहा है, कोई चूल्हा चल रहा है, इस वक्त उनकी सैलरी जो है वो 3-3, 4-4 लाख जब उनको पूरा नहीं होता, हमें कहाँ होगा सर? इन सरकार से हमारी यही अपील है, 25 सालों से हम कर रहे हैं, जो हमारे डेली वेजर साथी हैं सर, वो सारे इस वक्त फांसी के फंदे और अपने सोसाइटी भी किए हैं, घर का सर्कल नहीं चल रहा है। इस वक्त मार्च का महीना सर आया है, इस वक्त सर हमारे बच्चे, हमें एडमिशन उनके लेनी है सर, हमारे बच्चे इस वक्त घर में बैठे हैं, गवर्नमेंट से स्कूलों से निकाले जा रहे हैं सर। हमारी डिमांड सरकार से सर यही थी, जो इन्होंने वादे किए थे, हमारी 3 डिमांडें थी, हमें वो मिलनी चाहिए सर, हमें कोई शौक नहीं था रोडों पे आने का। सर मेरी बात सुन लीजिए सर, 25 सालों से हम यही हाल है हमारा सर, ये बोल रही है सरकार, जब बोल रही है बोलते हैं हम सीएम बनेंगे सर, सीएम कब बनेंगे सर? जब बने थे तब क्यों नहीं किया था इन्होंने? क्योंकि इनका नारा जो था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो हम बेटियां रोड पे धक्के खा रहे हैं सर। 1750 से कोई घर चल रहा है, कोई चूल्हा चल रहा है, इस वक्त उनकी सैलरी जो है वो 3-3, 4-4 लाख जब उनको पूरा नहीं होता, हमें कहाँ होगा सर? इन सरकार से हमारी यही अपील है, 25 सालों से हम कर रहे हैं, जो हमारे डेली वेजर साथी हैं सर, वो सारे इस वक्त फांसी के फंदे और अपने सोसाइटी भी किए हैं, घर का सर्कल नहीं चल रहा है। इस वक्त मार्च का महीना सर आया है, इस वक्त सर हमारे बच्चे, हमें एडमिशन उनके लेनी है सर, हमारे बच्चे इस वक्त घर में बैठे हैं, गवर्नमेंट से स्कूलों से निकाले जा रहे हैं सर। हमारी डिमांड सरकार से सर यही थी, जो इन्होंने वादे किए थे, हमारी 3 डिमांडें थी, हमें वो मिलनी चाहिए सर, हमें कोई शौक नहीं था रोडों पे आने का। वो देखते हो अब कोरोना वायरस था, जब वो लोग मरकज में बैठकर बाहर नहीं निकले थे कमरे से, हम लोग जो है हर घर में हम पानी पिलाते थे, इतनी सर इनको शर्म नहीं आ रही है सर। हमने आज कुछ करना है, कुछ जाना है हमने सर, हमें अगर गोली खानी होगी हम तैयार हैं, लेकिन जो हमारा मसला है सर, इनका कहना है कि हम सीएम बनेंगे सर। जब सीएम बना था तब कहाँ था, वो कैसे बना था सर? 61,000 डेली वेजर सर इस वक्त रोड रूम पे धक्के खा रहे हैं सर, इस वक्त भी इनका एजेंडा है हमारे हाथ में सर, इनको शर्म आनी चाहिए। अगर इन्होंने हमारा काम नहीं किया, इस वक्त बजट चल रही है, अगर नहीं किया इससे आगे जो खराबी होगी वो बहुत बुरी होगी, वो सरकार की जिम्मेदारी होगी सर। आज हमें प्लीज सर, हमें जाने दीजिए, हमारे साथ वो बात कीजिए सर। हाँ, आपके हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे बीच में आए, हमारी बात आपने सुनी, आपका थैंक्स करते हैं सर, लेकिन सर हम जाने दीजिए, उधर तक जाने दीजिए प्लीज सर, हमें जाने दीजिए, क्योंकि वो जो MLA लोग हैं सर, आपको आपका हम एहसान कब भूलेंगे सर? जब वो MLA 25 है जो यहाँ जम्मू कश्मीर में जीते हैं, हमने जिताए हैं, वो कहाँ है सरकार, वो कहाँ बैठे हैं, वो यहाँ पे हमारे से
साथ बात कीजिए कि हमारा मसला जब तक हल नहीं होगा तब तक हम हमारी लाशें निकलेंगे, हम जाने वाले नहीं हैं। सर हमारे पास अब क्या बचा है? एक सांस बची है, एक जिस्म पहले बस बचा है, लेकिन इस सरकार को नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त हम बैठे हैं रोड पे। सर आपकी मैं बात सुन ली है, आपके पदाधिकारियों ने भी हमको ये बात बताई है। इस मसले को आपको, जैसे आप गोली खाने वाली बात कर रहे हो, वो नौबत नहीं आएगी, इसको हम लोग सॉल्व करवाएंगे, तरीके से सॉल्व होंगी चीज़ें, है ना। आपने जो मेमोरेंडम दिया उसको हम लोग सरकार तक लेके जाएंगे, आप परेशान मत होइए इस चीज़ में, ठीक है। और इसके ऊपर आप लोगों को बिल्कुल बताया जाएगा कि क्या कार्रवाई हुई है, क्या होनी है, तो वो सारी चीजें आपके सामने आएंगी, आप मत परेशान होइए। जी सर हमने आपकी बात सुन ली, परेशान होइए। फिर ऐसे तो फिर सबसे बात करें, तीन चार ने की है ना, तो एक बार उनको फैसला ले लेने दीजिए। रिप्रेजेंटेटिव जो बच्चे हैं आज, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका टाइम चला गया, इनकी भरपाई कौन करेगा? इनकी आप बताइए, इनकी भरपाई कर सकता है? अब जो बच्चे अनपढ़ रह गए, उनको एजुकेशन नहीं मिली। मुझे बात करनी थी। पचास लोगों से कैसे बारी बारी बात करेंगे? देखो एक मुझे बताइए, इस वक्त हमारे बारिश का महीना है, इस वक्त हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों से निकाले जा रहे हैं। ये शर्म होनी चाहिए सरकार को, ये सरकार अंधी सरकार, इस सरकार को नजर नहीं आ रहा। इस वक्त हम रोड पे बैठे हैं, इस सरकार को शर्मानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि सरकार ने कहा था कि डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा, ये डेली वेजर्स को पक्का किया गया? सर ये पक्का शक्का नहीं करते हैं, या हमें पकाते हैं 25 सालों से। ये तो इनका ख्वाब है, ये झूठ है, ये करने वाले नहीं है, खाली झूठी आसन वासन देते हैं। हम मानने वाले नहीं है, अब हम जम्मू कश्मीर के जो है हम मानने वाले नहीं है। हम यहाँ रोड पे मरेंगे या जिएंगे, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। जब तक ना बात करेंगे हमारे साथ तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। एडीसी साहब है सर, क्या बातचीत रही है आपकी पीएचई जितने भी डेली वेजर्स ने, क्या बात रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी आज यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसके अंदर मैं एडमिनिस्ट्रेटिंग तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बन के आया हूँ, और यहाँ पर अभी हम लोगों ने बात की है, इनकी जो मांगे हैं उनको उन्होंने अपना मेमोरेंडम ही हमको सबमिट किया, इसको हम सरकार तक पहुँचाएंगे और इसके ऊपर जल्दी से जल्दी इनको रिप्लाई दिलवाने की भी पूरे कोशिश की जाएगी। सर इनका ये कहना है कि पिछले काफ़ी समय से जो है वो मेमोरेंडम जो है वो पेश किया जा रहा है और उस पर जो है वो चर्चा नहीं की जा रही है, और उससे कई बार जो है आश्वासन जो है वो दिए गए। नहीं, चर्चा इसके ऊपर पहले भी हो रही थी और पहले भी, अभी भी सरकार के अंदर ये ऐसा नहीं है कि प्रक्रियाधीन नहीं है, प्रक्रियाधीन चीज़ है ऑलरेडी ये, और इसके ऊपर अभी भी जो जैसे आज इनका प्रोटेस्ट हुआ तो इसको और तीव्र गति से सरकार अपडेट करेगी। कुछ लोग ओवर एज भी हो सकते हैं, लगभग उनकी 60 साल उम्र हो चुकी है, वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते। कई लोग रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन इनका ये इशू है कि जल्द से जल्द इनका इशू है वो रिसॉल्व किया जाए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ लोगों की उम्र ज़्यादा है, जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करने का हम पूरा प्रयास करें। अभी कुछ क्या निकल के सामने आया सर? अभी भाई जो मेमोरेंडम आप लोगों ने जो हम अपने कैमरे में भी कह दिया, भाई मेमोरेंडम इन्होंने दिया है, इसको हम लोग सरकार तक लेके जाएंगे और जल्दी से जल्दी इसका निराकरण करने का। सर क्या समय सीमा तय की जाएगी इसको लेकर, जो है जो आप सरकार से बातचीत करेंगे और इनको जो आप उत्तर कब तक पेश करेंगे? देखिए समय सीमा ऐसे हम कोई निर्धारित नहीं कर सकते इसके अंदर, लेकिन जल्दी से जल्दी ये, क्योंकि हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम भी अगर यहाँ पर आए हैं तो हमारी खुद की जिम्मेदारी बनती है, तो इसके लिए हम लोग इसको जल्दी से जल्दी अपडेट करेंगे और कुछ ना कुछ समय के अंदर पदाधिकारियों को हम लोग बुलाएंगे मीटिंग वगैरह करके, उसके बाद फिर हम सब लोगों के साथ मिलकर एक समन्वय बनाकर एक चीज़ की जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, जेके 24/7 के साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए साफ तौर पर हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए एडीसी साहब खुद मौजूद थे, और जिनका साफ तौर पर यह निर्णय है कि जल्द सरकार के साथ जो है वो बातचीत करवा के पीएचई के जितने भी तमाम डेली वेजर्स है उनकी मुख्य मांगों को जो है इनके सामने जो है वो पेश किया जाएगा। आगे क्या निर्णय रहेगा वो समय तय करेगा, नहीं सुना गया तो आने वाले समय में भी उग्र प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। मगर अब जो बातचीत की है इनका ये कहना है, जो एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पर पहुँचे थे उनका ये कहना था कि इनकी मुख्य मांगों को जो है वो सरकार तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, वहाँ से क्या उत्तर आएगा वो पीएचई तमाम जितने भी 61,000 डेली वेजर्स हैं उनका जो फैसला है वो इन तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आपकी क्या कुछ राय है? तब तक के लिए आप बने रहें जेके 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ, धन्यवाद।